पता नहीं, मैं जिस लोकेशन पे आता हूँ वहाँ पे हमेशा इतनी झाड़ियाँ क्यों उगी हुई होती हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, एक और लोकेशन। काफ़ी टाइम बाद, मुझे पता है मैं काफ़ी लेट वीडियोस ला रहा हूँ, लेकिन गाइस ऐसी लोकेशंस ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत दूर दूर आना पड़ता है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कैसी ये लोकेशन है, इस लोकेशन पर मैं ट्राई ये कर रहा था कि मैं रात के टाइम आऊँ, लेकिन ये बिल्कुल मेरे रास्ते में पड़ती है। तो मैं रात को निकला था और अभी पहुंचा हूं, तो मैंने सोचा एक बार मैं दिन का व्यू आपको ज़रूर दिखा देता हूं यहां का। बाकी तो भाई रात को तो देखो हमें करना ही करना है, ऐसी कोई हमारे लिए दो राहें ही नहीं है, रात को तो हमें वीडियो करना ही करना है, हर हालत में करना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मेरे पीछे लोकेशन कितनी ज़बरदस्त है ये। और ये यहाँ पे पेड़ है एक, और ये हुआ करता था एक फोर्ट जो कि अब हो चुका है बिल्कुल खंडर, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए पीछे मेरे, उस टाइम पे कितना सुंदर हुआ करता हुआ ये फोर्ट, और अब देखिए इसकी हालत कितनी खराब हो चुकी है। यहाँ पे देखने से ही मुझे थोड़ा सा, अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ताकि एक बार मैं ये चाह रहा था कि दिन में एक बार लोकेशन देख लेता हूँ, थोड़ा इजी रहता है रात को कवर करने के लिए। तो ये देखो पीछे मेरे पूरी लोकेशन है, और इधर मुझे लग रहा है पूरा जंगल है। एक उस तरफ मुझे कुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक कुआ हो सकता था शायद। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अभी सवेरा नहीं हुआ है, लाइट लगा लेता हूँ क्योंकि अंदर मुझे अंधेरा दिख रहा है काफ़ी। सो ये मैंने लाइट लगा ली है, अभी अंदर जाके मैं लाइट। और ये देखो पूरी लोकेशन देख लो यार एक बार आप, ये ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है 1888 के करीब, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ हुआ करता होगा फोर्ट में। और ये यहाँ पे देखिए बॉब मार्ले वार्ले सब फैंस। सो ये मैं अभी एंटर कर रहा हूँ इसके अंदर। और ये लोकेशन देखो भाई, इसको रात को करने में तो मज़ा ही आने वाला है मुझे लग रहा है ऐसा। सब गेट्स वेट्स सब टूटे हुए हैं यहाँ के। और ये कुछ स्टोर रूम जैसा मुझे लग रहा है, देखो चमगादड़ कितने सारे हैं यहाँ पे ऊपर लटके हुए हैं। ये मेरे ख्याल से पहले के टाइम पे चिमनी हुआ करती थी। यहाँ से गेट थोड़ा सा टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, हमारे रास्ते में जो भी आएगा। ये लोकेशन देखो यार एक बार, सेव ट्रीज, बहुत अच्छा मैसेज भी यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये एक एरिया और है यहाँ पे, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लोकेशन, क्या चीज़ हो सकती है ये, कुछ थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है। बाकी यहाँ की स्टोरी भी काफ़ी डरावनी सी मुझे लगी, वो मैं सब आपको बाद में बताऊँगा रात में, क्योंकि ऐसी स्टोरी सुनने का मज़ा रात में ही आता है। ये मुझे क्यों ऐसा फील आ रहा है कि ये फोर्ट कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, इस फोर्ट का किस तरीके से बनाया गया है। लेकिन काफ़ी डेंजर लग रहा है मुझे, रात के टाइम होने वाला है ये खतरनाक। और ये अभी मैं बाहर आ गया हूँ पीछे की साइड, थोड़ा सा ऊपर चल के भी देख लेते हैं एक बार।
यहाँ पे भी पार्टीज वार्टीज हुई हुई हैं। सेव वाटर सेव ट्रीज। चलो पहली एक ऐसी जगह देखिए जहाँ पे अच्छे मैसेजेस लिखे हुए हैं वॉल्स पे। पूरी लोकेशन कवर कर लेता हूँ मैं दिन में, देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या है इसमें। ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे आएगा इसमें आया था, नीचे की साइड में है। ये एक छोटा सा एरिया, ओके बालकनी है यहाँ की, उस एरिया में आएगा, इसमें नहीं गया वो भी, तो उस एरिया में थोड़ा चल के एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से नीचे का व्यू दिख रहा होगा। यस वही है। सो भाई लोगों, ये लोकेशन भी होने वाली है डेंजरस, ऐसा मुझे फील आ रही है। ये लोकेशन रात के टाइम में डेंजरस होने वाली है। नहीं है, मैं मीटर वगैरह सब लेके आएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और यहाँ पे चमगादड़ी काफ़ी स्मेल है, अंदर से कबूतरों की आवाज़ें भी आ रही हैं। थोड़ा सा मैं चल के देख लेता हूँ अंदर, हो सकता है कोई जानवर हो अंदर। थोड़ा सा ध्यान से, वो कुछ सुरंग जैसा लगा मुझे। यहाँ से भी एक सुरंग से निकल रही है। ओके सही है, नाइस। ये फ्रंट एरिया उधर दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है। ओके सो ये है वॉशरूम यहाँ का, हुआ करता था। ये देखिए हालत देखिए, यहाँ पे सब कुछ टूट फूट हो चुकी है, सब कुछ नीचे गिर गया है। और मेरे पैर में कोई कांटा चुभ जाए ना, लेकिन चुभ गया है। ओके सो ये है वो फोर्ट गाइस, देखिए आप। ये फोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है देखने में, बाकी भाई करते हैं इसको रात को भी एक्सप्लोर। आप लोगों की डिमांड पे ज़रूर किया जाएगा ये काम। कमेंट करो भाई, कमेंट से भर दो इसको कि आपको इसका रात का वीडियो चाहिए। ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। एक थोड़ा सा और आगे मुझे पूरी लोकेशन नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पे एंड हो गया था। मैं थोड़ा सा और आगे चल के देख लेता हूँ एक बार। ओके सो यहाँ पे मैंने अभी एक्सप्लोर किया है पूरा, और इस तरफ मुझे और कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी चल के देख लेते हैं एक बार। सो गाइस देखिए इसकी हालत, यहाँ पे हालत बिल्कुल ख़राब है, और मैं बिल्कुल लास्ट वाले एंड, इस फोर्ट का एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, वॉल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है फोर्ट की। पीछे मुझे जंगल ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी टूट फूट हो चुकी है, ये देखिए दीवारों पर टूटी हुई। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, दीवार टूटी हुई है, कभी भी गिर सकती है यहाँ पे। मैं ज़्यादा देर यहाँ पे टूटी हुई दीवार के नीचे नहीं रुकूँगा। कबूतर
और चमगादड़ सब यहाँ पे मिलेंगे। सो काफ़ी क्लीन लग रहा है एरिया मुझे, यहाँ पे चर्सी वर्सी का अभी तक कोई भी निशान नहीं है, नामो निशान। तो हो सकता है रात में भी थोड़ा सेफ रहे, चर्सियों के लिए तो सेफ ही रहे, चर्सियों से बचने के लिए तो सेफ है ये मुझे लग रहा है रात को। लेकिन जो यहाँ की कहानी है, जो हॉन्टेड कहानी है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि मुझे क्या यहाँ पे मिल जाए रात के टाइम। तो करेंगे भाई रात को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा और एक एरिया बचा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ आया हूँ तो। इस एरिया में शायद मैं आया हूँ, शायद मैं नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार चल के फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन स्पेस है, यहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, बल्ब का होल्डर है अभी तक, मतलब काफ़ी टाइम बाद में भी आई थिंक ये एक्सेस में था ये फोर्ट। हो सकता है कोई ऑफिस खोल दिया हो यहाँ पे। लोकेशन सो भाई लोगों, लोकेशन दिन का तो मैंने आपको दिखा दिया है, पीछे आपको फोर्ट नजर आ रहा होगा मेरे। तो इसका अगर, इस लोकेशन का अगर आपको रात का वीडियो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से भर दो, दबा के कमेंट्स करो कि भाई रात का वीडियो चाहिए, रात का वीडियो चाहिए। हमें नहीं पता आप अकेले जाओ या किसी को लेके जाओ, बस हमें रात का वीडियो इस जगह का चाहिए। तो ज़रूर आप लोगों के लिए रात को भी एक्सप्लोर करेंगे। और अभी मैं चलता हूँ फिर, बाकी भाई देख लो ऐसी ऐसी लोकेशंस पड़ी हैं डिस्कवर करने के लिए, करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दिखाओ सबको कि ऐसी लोकेशंस अभी तक यहाँ पे हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं। ये देखिए पूरा जंगल इधर, यहाँ पे फोर्ट के सामने पूरा जंगल हुआ करता था मेरे ख्याल से। अभी काफ़ी हद तक यहाँ पे पैचेस बचे हैं और काफ़ी जंगल बाकी भी है। और ये गेट है देखिए, ये पूरा बड़ा गेट हुआ करता था पहले इस फोर्ट की एंट्री के लिए, और यहाँ से रोड जाती है इस फोर्ट के लिए अंदर जहाँ मैं अभी गया था। तो भाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि रात का वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए वैसे तो चाहिए आपको, मुझे पता ही है, और रात का तो हमें बनाना ही बनाना है। बाकी आप लोगों की डिमांड पे है भाई, जैसी डिमांड आएगी वैसा वीडियो आपको मिलेगा। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अब बहुत सारी लोकेशंस आने वाली हैं, बहुत सारी लोकेशंस, बहुत 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 सारी लोकेशंस।